हेलो यूट्यूब फैमिली, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली फॉर सेल्स पर्सन के लिए। आजकल यूएई में कमीशन बेस्ड जॉब्स हैं, प्रॉपर्टी में, इंश्योरेंस में, मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में एज वेल। तो लोग सेल्स में फेल क्यों होते हैं, तो इसके लिए फिर हमने मिस्टर जयदीप सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि हमें बताएं कि फेलियर के पीछे रीजन क्या है। इट्स बिकॉज ऑफ फील्ड चेंज। थैंक यू मिस्टर अलीम फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू अगेन। And the question that you have posed today is very important and an interesting question. Why do so many people who are working on commission-based jobs in the UAE fail? तो ज़्यादातर sales के जो job है UAE में वो commission-based ही होते हैं, और इसमें लोग primarily चार कारणों से fail हो जाते हैं। पहला और सबसे important कारण ये होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं सस्टेन करने के लिए खुद को 2-3 महीने। तो अगर आपने पहले 1-2 महीने में कमाई शुरू नहीं की तो ये सेटअप करता है आपको फेलियर के लिए। मीन्स ये है कि लोग कोई प्लान नहीं करते, आ जाते हैं, उनको पता होता है कमीशन बेस पे है, तो विदाउट एनी प्लान और विदाउट एनी गोल वो आके जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई हमें कोई वीजा मिल जाए, हम सिर्फ स्टे करें पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब ले लेते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी होता है कि अगर आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं तो आपको पहले 1-2 महीने में थोड़ा कामयाबी सेल्स में हो जानी चाहिए ताकि आपके पास पैसे हो। अगर आप पहले 1-2 महीने में कमाते नहीं हैं तो उसमें आपको प्रेशर में आ जाते हैं और वो सेटअप करते हैं आपको फेलियर के लिए। करीब करीब 30% जो ज्वाइन करते हैं वो पहले 3 महीने में पैसे नहीं है इस कारण से फेल हो जाते हैं। ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण होता है वो ये होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-6 महीने के बीच में लोगों के पास पैसा नहीं होता है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। नया प्रोस्पेक्ट खोजना इन ए कमीशन बेस्ड जॉब काफी दिक्कत वाली काम है यूएई में। पहला तो आपको एक्टिविटीज करना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, सिर्फ कोल्ड कॉलिंग से बात नहीं बनती है। आपको आजकल नया इंटरनेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स, फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा, इसमें एडवर्टाइजमेंट्स में पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो काफी एजेंट्स ऐसे होते हैं, काफी कमीशन बेस्ड लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है कि नया प्रोस्पेक्ट लेके आए। तो ये दूसरा कारण है कि ये 3-6 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनको बिल पे करना है, आपका मंथली जो दीवा का बिल है, इतिसलात का बिल है, रेंट जो है वो आपको हर महीने पे करना होता है, तो कई दफा ऐसे हो जाता है कि कोई शादीशुदा है उसको बिल्स पे करना होता है, बीवी का सपोर्ट नहीं मिलता है या शौहर का सपोर्ट नहीं मिलता है उनको कि कमीशन बेस पे करेजियसली आगे बढ़ते रहें। कोई 1 महीने में कुछ प्रेशर आ गया तो फैमिली बोलती है कि नहीं नहीं कमीशन बेस्ड जॉब मत करो, कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो, बैक ऑफिस में थोड़ा कम कमा लोगे तो भी ठीक है लेकिन सैलरी हर महीने आती रहेगी। तो फैमिली का सपोर्ट होना, क्योंकि कमीशन बेस्ड जॉब आप इसलिए करते हैं कि आप ज्यादा कमा सके, तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा उसमें तो मुश्किल हो जाती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट आई वुड लाइक टू वर्क ऑन कमीशन बेस्ड। मैंने जॉब अपनी स्टार्ट की थी कमीशन पे, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, एंड कमीशन बेस्ड में आपका जो एक्साइटमेंट है वो पहला तो आपको फ्रीडम मिलती है खुद के टाइम के हिसाब से, दूसरा आपको ये बिजनेस की तरफ देख सकते हैं। इट्स लाइक योर ओन बिजनेस, इट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू अर्न। आप अपना 100% लगाएंगे तो आप उसका 100% रिवार्ड ले सकते हैं। बिल्कुल, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन योर इनकम, यू राइट योर ओन सैलरी चेक, दैट्स इट। चौथा रीजन जो होता है वो ये है कि जो कंपनी में आपने ज्वाइन किया उसके साथ आपका फिट नहीं हुआ। तो अगर आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी से। कंपनी आपको मटेरियल दे रही है कि नहीं, कंपनी आपको ट्रेन कर रही है कि नहीं। तो कई दफा ऐसे होता है कि कंपनी का सपोर्ट नहीं होता है उतना जितना कि एक नए एजेंट को कमीशन बेसिस पे काम करके सक्सेसफुल होना पड़ता है। तो ये एक मिसमैच जो होता है वो आपको ध्यान से देख के एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ ही काम करना चाहिए ऑन ए कमीशन बेस, ताकि आपको सपोर्ट मिले टू सक्सीड। थैंक यू सो मच मिस्टर जयदीप सरकार। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।